बीते मंगलवार से सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हैं। हीना साहब के बेटे ओसामा भी अस्पताल में ही हैं। ओसामा से मिलकर हीना साहब का हालचाल पूछने के लिए नेताओं की होड़ लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अलावा बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने ओसामा से मिलकर हीना साहब का हालचाल पूछा है। इनमें सियासी तौर पर सबसे चौंकाने वाला नाम चिराग पासवान का है। चिराग पासवान की मुलाकात एक अलग तरीके से सुर्खियां बटोर रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने गुरुवार को अस्पताल में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। चिराग पासवान करीब 15 मिनट तक रुके और ओसामा से बात की। उनसे उनकी मां हीना साहब का हालचाल पूछा, उनकी बीमारी के बारे में जाना। यह पहला मौका है जब इन दोनों की मुलाकात हुई। मौके पर ओसामा से चिराग ने कहा कि वो हर वक्त उनके साथ खड़े हैं, भरोसा दिलाया कि वो हर तरह से हमेशा मदद के लिए तैयार खड़े हैं। मौके पर मौजूद पत्रकारों की माने तो ओसामा ने भी चिराग पासवान के इन बातों पर काफी नरम प्रतिक्रिया दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र होने की वजह से बड़ा दलित चेहरा है। वहीं ओसामा भी शहाबुद्दीन के बेटे होने की वजह से मुस्लिम समाज के बीच स्वीकार्य है। चिराग पासवान की अगुवाई में लोजपा भले ही बीते साल के विधानसभा चुनाव में हार गई हो, लेकिन उसके वोटर डिगे नहीं हैं। लोजपा को उतने ही वोट मिले जितने पहले मिलते रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 6% वोट हासिल किए थे। चिराग पासवान ने इसे भी अपनी उपलब्धि माना, कहा बिहार के 25 लाख लोगों ने उन्हें पसंद किया है। लोजपा के टूटने के बाद अब इस वोट बैंक पर सबकी निगाह है। बिहार में विपक्ष के तौर पर आरजेडी है। आरजेडी के साथ भी वही कहानी है, भले सत्ता में आरजेडी नहीं है लेकिन यादव का 16% वोट आरजेडी की झोली में जाती ही है। वही मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर दूसरे को बहुत कम वोट देते हैं। बिहार में मुसलमान 17% है, लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद से राजद के व्यवहार में मुसलमान समाज के वोट बैंक में भारी नाराजगी है। इस बात को लालू यादव भी बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद राजद ने जो किया था उसे अब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।